गुल्ली का गजब पिटारा। लेखिका है अनुपमा अजिंक्य आप्टे। गुल्ली के पास है एक गजब का बक्सा जिसमें निकल कर आती हैं तरह तरह की चीजें। पर गुल्ली इन सब चीजों का क्या करता है, चलो पता लगाएं। और फिर शायद तुम भी बनाना चाहो अपना ऐसा ही एक खास बक्सा। क्या हुआ दादाजी, आज आप अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे? एक सुबह गुल्ली ने दादाजी से पूछा। क्या बताऊं बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है और उसके बिना मैं पढ़ नहीं सकता, दादाजी बोले। ओह, परेशान ना हो दादाजी, मैं अभी जाता हूँ और अपना बक्सा लेकर आता हूँ। गुल्ली झट से ले आया अपना छोटा भूरा बक्सा। टन टनाटन धड़ाम धूम। अरे यह क्या निकला गुल्ली के पिटारे से? एक चमचमाता जगमगाता मैग्नीफाइंग लेंस। अगर आप इससे देखें तो आपको सब कुछ दिखेगा, बड़ा और बेहतर। धन्यवाद बेटा, यह तो कमाल का है, अब मैं एक एक शब्द साफ पढ़ सकता हूँ, दादाजी बोले। क्या हुआ मंगल चाचा, गुल्ली ने पूछा। वे परेशान लग रहे थे। मुझे इस पैकेट से तेल निकाल कर बोतल में डालना है और देखो ना, बोतल का मुंह कितना छोटा है। मुझे यकीन है कि आज मेरी रसोई जरूर गंदी हो जाएगी, मंगल चाचा ने कहा। चिंता ना करें चाचा, मैं बस यूं गया और यूं आया, गुल्ली बोला। टन टनाटन धड़ाम धूम। आओ देखें क्या निकला है गुल्ली के गजब पिटारे से। अरे क्या क्या, एक बड़ी चौड़े मुंह वाली कीप। इसमें ऊपर से कुछ भी उड़ेले और देखें कितनी सफाई से वह बूंद बूंद निकलता है। यह लीजिए मंगल चाचा, इसके इस्तेमाल से आपकी रसोई रहेगी एकदम साफ और खाना बनाना होगा आसान। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आप क्या ढूंढ रही हैं दादी माँ, गुल्ली ने पूछा। अरे बेटा, मैं दादाजी की ऊनी टोपी की सिलाई कर रही थी और मेरे हाथ से सुई नीचे गिर गई, दादी माँ बोली। आप यहाँ आराम से कुर्सी पर बैठे और मैं लाता हूँ अपने छोटे भूरे बक्से में से कुछ खास चीज। टन टनाटन धड़ाम धूम। इस बार गुल्ली को क्या मिला? चुंबक, जिससे लोहे की चीजें चिपक जाएंगी। अब मैं इसे जमीन पर घुमाऊंगा और जल्दी सुई मिल जाएगी, गुल्ली बोला। यह देखिए दादी माँ, आपकी सुई मिल गई और साथ ही और बहुत सी खोई हुई चीजें भी। धन्यवाद गुल्ली बेटा, तुम तो बहुत सयाने हो और तुम्हारा यह छोटा भूरा बक्सा सचमुच गजब का है, दादी माँ ने मुस्कुराते हुए बोला। तो मजा आया ना गुल्ली के पिटारे में झांक कर? क्या आपके पास है गुल्ली की तरह एक गजब पिटारा? अगर नहीं तो आज ही बनाना शुरू करिए।